बच्चों ये है हमारा लेक्चर 239 और हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी में से चैप्टर 16 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। हम थे एक्सरसाइज 16.2 पे। सो एक्सरसाइज 16.2 और ये एक्सरसाइज 16.2 है आपकी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 260 पे। ठीक है, सो पेज नंबर 260 पे आपकी एक्सरसाइज 16.2। सो फर्स्ट नंबर है आपका इफ 21YZ इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वेयर Y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? आंसर देखो क्या बोल रहा है, 21YZ इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये जो नंबर है 21YZ इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये नंबर 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 की टेबल में आता है। वेयर Y इज अ डिजिट और यहाँ Y डिजिट है, व्हाट इज सॉरी 21Y5 है, Z नहीं है, 21Y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर Y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? ठीक है, सो आपको क्या बोल रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 9 है जहां Y डिजिट है, सो बताओ Y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा था कि 9, तो कोई भी नंबर 9 का डिविजिबल कब होता है या मतलब 9 से डिवाइड कब होता है या उसका मल्टीपल कब होता है, जब उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 के मल्टीपल के बराबर होते हैं, जब उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 के मल्टीपल के इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि भाई वो नंबर है 9 का मल्टीपल। ठीक है, या हो सकता है 9 से डिवाइड। सो आपको कौन कौन से नंबर 9 के मल्टीपल हैं? सो 9 के मल्टीपल हैं 9, 18, 27, ऑब्वियसली जो 9 की टेबल वाले हैं। सो हमने जो रूल पढ़ा था कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 9 और मल्टीपल ऑफ 9। सो हम पहले ये सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। सो 2+1+y+5। ठीक है, सो 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो 5, 6, 7, 8 टोटल 8 है। सो 8+y, ठीक है, सो 8+y आया हमारा सम ऑफ डिजिट्स। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y हमारा मतलब ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ डिजिट्स अगर सपोज कि मल्टीपल है, इसने क्वेश्चन में ही दिया है कि मल्टीपल है, तो जब भी मल्टीपल होता है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है। सो 8+y = 9, 8+y = 18। मतलब ऑब्वियसली ये 9 का मल्टीपल है तो 9 के भी बराबर हो सकता है, 18 के भी इक्वल हो सकता है, हो सकता है ना। सो सपोज कि ये 9 के इक्वल है, ठीक है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो सपोज ये 9 के इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर y = 9 - 8, सो = 1, तो y की वैल्यू आई 1। यहाँ पूछा ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y 1। ठीक है, पर मैंने एक और आपके लिए मतलब रखा है कि भाई सपोज 18 के बराबर, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 9 है, अगर 9 के इक्वल है तो 18 के इक्वल भी हो सकता है, 27 के इक्वल भी हो सकता है। सो हम 18 से ट्राई करते हैं। सो देयरफॉर y = 18, 8 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। सो 18 - 8 तो क्या होना होगा, 10। पर हमने ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्लियर पढ़ा है कि y इज अ डिजिट। y क्या है, y इज अ डिजिट, y डिजिट है तो वो कैसे 10 के इक्वल हो सकता है, इट कांट बी इक्वल टू 10। सो द वैल्यू ऑफ y इज 1। सो द वैल्यू ऑफ y इज 1। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा आप सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इफ 3, 1, Z, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9
वेयर जेड इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अगर 3105 मल्टीपल ऑफ 9 है तो बताओ कि वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी, वेयर जेड इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? ठीक है, सो फिर से देखो, मल्टीपल ऑफ 9 दिया गया है. ठीक है, सो आंसर, तो देखो फिर से मल्टीपल ऑफ 9 है, मतलब 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी. सो 3105 है, सो 3 + 1 + z + 5, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था ना, सम ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, इक्वल टू 9 होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स ही 9 या उसका मल्टीपल ऑफ 9. सो 5, 6, 7, 8, 9, सो 9 + z होगा. ठीक है, 9 + z हुआ. ठीक है, सो ये किस किस के इक्वल हो सकता है? सो ये आपका 9 के इक्वल भी हो सकता है, 18 के इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, सो देखो 5, 6, 7, 8, 9. नाउ क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 9 है, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 9 है, सो 9 + z इज इक्वल टू 9, 9 + z इज इक्वल टू 18. ठीक है, इवन 9 + z इक्वल टू 27 भी हो सकता है. ठीक है, सो यहाँ देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, z है, सो z को आप अकेला बनाओ, सो 9 उधर जाएगा, 9 - 9 0, तो z 0 आया. ठीक है, सो वैसे ही यहाँ फिर से z फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 18, 9 उधर गया तो -9, देयरफॉर z इज इक्वल टू 9. ठीक है, सो 18 क्या है, और मतलब z क्या है, 9 के इक्वल है. ठीक है, सो z 0 भी है एंड z 9 भी है, सो वैल्यू ऑफ z कैन बी 0 और 9, दोनों हो सकता है, दोनों सिंगल डिजिट है. देखो 0 भी सिंगल डिजिट है, 9 भी सिंगल डिजिट है. सो द वैल्यू ऑफ z इज 0 और 9. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ 0, वैल्यू ऑफ z इज 0 और 9, या तो z की वैल्यू 0 भी हो सकती है, z की वैल्यू 9 भी हो सकती है. सो यहाँ देखो, यहाँ हमें दो आंसर्स मिल गए, तो ऑब्वियसली यहाँ हमसे सिंगल डिजिट मांगा है, इज अ डिजिट, तो अगर ये भी सिंगल डिजिट आंसर है, ये भी तो कुछ भी हो सकता है. जैसे अभी फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व किया, तो फर्स्ट में भी सिंगल डिजिट ही मांगा था, वाई इज अ डिजिट, तो वहां पे एक सिंगल डिजिट था, एक डबल था, तो ऑब्वियसली इट कांट बी द आंसर. सो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 9 बोला है, तो वी हैव टू चेक ना कि भाई 9, 18 सबके लिए हमें चेक करना पड़ेगा. सो यहाँ देखो, z का 9 आंसर मिला, तो आगे जाएंगे तो फिर 2 डिजिट हो जाएगा, तो इसलिए हम आगे ट्राई नहीं करेंगे, इसलिए दो वैल्यूज मिली, 0 और 9. भाई 0 के लिए मतलब यहाँ z 0 भी हो सकता है, z 9 भी हो सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर. अब हम देखेंगे थर्ड नंबर. ठीक है, थर्ड नंबर में देखते हैं. सो थर्ड नंबर है, इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वेयर एक्स इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर 24x है, 24x अगर 3 का मल्टीपल है, 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वेयर एक्स इज अ डिजिट, एक्स एक डिजिट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, सो अगर 24x मल्टीपल ऑफ 3 है, जहाँ पे x एक डिजिट है, तो वैल्यू ऑफ x क्या रहेगी? ठीक है, सो 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब भाई इसके फैक्टर्स 3 भी हो सकते हैं, 6 भी, 6 इसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं 3 के भी इक्वल हो सकते हैं, 6 के भी, 9 के भी, 12, हम सारी 3 की टेबल रीड कर लेंगे. सो सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे सबसे पहले, सो 2 + 4 + x, सो आंसर क्या आया, 2 + 4 = 6 + x. ठीक है, सो हमें जैसे कि हमने सीखा था कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 6 + x 3 के भी इक्वल हो सकता है, 6 के, 9 के, मीन सबके इक्वल हो सकता है. सो नाउ क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, सो नाउ 6 + x इज इक्वल टू 3. अच्छा, अगर सपोज 3 हुआ, अब खुद दिमाग लगाओ कि 6 + x 3 के इक्वल कैसे हो सकता है. 6 में अगर मैं कोई नंबर ऐड करती हूँ, सपोज सबसे छोटा नंबर 0 ऐड करती हूँ, तो 6 + 0 6 होता है.
सिक्स प्लस जीरो सिक्स होता है, कभी थ्री हो सकता है, तो ऑब्वियसली थ्री तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर थ्री की टेबल आगे बढ़ाओ सिक्स, तो हाँ हो सकता है सिक्स प्लस एक्स सिक्स के बराबर हो सकता है, सो सिक्स। ठीक है, फिर और किसके इक्वल हो सकता है, सो सिक्स प्लस सिक्स और थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन के इक्वल भी हो सकता है, फिर थ्री फोर जा ट्वेल्व के भी इक्वल हो सकता है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है, इवन 21 के भी इक्वल हो सकता है। सो अब हम इन सबको ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू आती क्या है, सो देयर फोर सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सिक्स है, तो x इज इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स यहाँ से वहाँ जाएगा तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो, सो x क्या आया जीरो। ठीक है, सो सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू नाइन है, अब फिर से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिक्स जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स, सिक्स उधर गया तो माइनस, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल नाइन में से सिक्स क्या थ्री। सेम यहां पे एक्स की वैल्यू ट्वेल्व है और सिक्स उधर जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सिक्स, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, सो सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन, सो सिक्स उधर जाएगा, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस सिक्स, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, सो आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, सिक्स भी हो सकती है, नाइन भी हो सकती है, इवन आप आगे भी इनफैक्ट यू कैन ट्राई सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एटीन लिखेंगे, सो जस्ट यू कैन ट्राई, सो सिक्स सिक्स प्लस एक्स अगर एटीन के इक्वल होगा, सपोज सिक्स प्लस एक्स अगर एटीन के इक्वल है, सो एक्स है एटीन माइनस सिक्स जो कि होगा ट्वेल्व, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, डबल डिजिट नहीं सिंगल डिजिट ही चाहिए। सो हमारी वैल्यूज क्या हो सकती हैं एक्स की वैल्यूज, तो क्योंकि मल्टीपल ऑफ थ्री था ना इसलिए आपने थ्री की टेबल आप लोग रीड करते गए। ठीक है, सो थ्री आपने इक्वल टू थ्री क्यों नहीं लिखा, मैंने वो भी रीजन बताया कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी जीरो थ्री सिक्स और नाइन। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है एंड नाइन भी हो सकता है, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर z इज अ डिजिट व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ z। सो फिर से फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। सो अगेन बहुत ज्यादा इजी सम्स हैं इनमें, ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल आपको उनके मल्टीपल्स लिख देने इक्वल में सम ऑफ डिजिट्स के। सो फोर्थ नंबर इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है वेयर z इज अ डिजिट, What might be values of z? So answer. So कैसे लिखेंगे हम 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit. What might be the values of z? So 31z5 is a multiple of 3. 31z5 multiple of 3 है. So sum of digits 3 plus 1 plus z plus 5. सो इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सो नाइन प्लस जेड हुआ। ठीक है, सो ये मल्टीपल ऑफ थ्री है। ठीक है, सो ऑब्वियसली थ्री के बराबर तो नहीं हो सकता है, कैसे आप नाइन प्लस जीरो कांट बी इक्वल टू थ्री, मतलब थ्री की टेबल पढ़ रही हूँ तो थ्री के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, नाइन प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, नाइन में कुछ ऐसा डालो कि वो थ्री के इक्वल हो जाए, भाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नाइन सबसे छोटा तो जीरो डाल सकते हो, नाइन प्लस जीरो नहीं नहीं पॉसिबल है, तो थ्री इज नॉट पॉसिबल। फिर आप सिक्स चेक करो, यहाँ सिक्स डाल के अगर भाई इक्वल टू सिक्स, अगर सब थ्री की टेबल पढ़नी है ना थ्री फिर सिक्स, सो इसको सिक्स के इक्वल लिया तो वो भी पॉसिबल नहीं है, नाइन में कुछ ऐसा नंबर ऐड करो कि सिक्स सिक्स के बराबर मिल जाए, सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सिक्स भी पॉसिबल नहीं है। अब हम किसको ट्राई करेंगे, नाइन प्लस जेड इज इक्वल टू नाइन, हाँ पॉसिबल है, आप जीरो डाल दो हो जाएगा, सो नाइन के बराबर पॉसिबल है। ठीक है, सो नाइन प्लस z इज इक्वल टू नाइन, नाइन प्लस जेड ट्वेल्व, नाइन प्लस जेड फिफ्टीन, नाइन प्लस जेड इज इक्वल टू एटीन।
ठीक है, इसके बाद 21 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 18 माइनस 9 9 मिल जाएगा, तो लास्ट सिंगल डिजिट नंबर होगा, फिर डबल डिजिट हो जाएगा। ठीक है, सो हमें खाली वेयर जेड इज अ डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ सॉल्व करेंगे, देयर फोर जेड इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा, तो 9 माइनस 9 0, जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इधर 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12 है, सो जेड इज इक्वल टू 12 माइनस 9। ठीक है, सो जेड इज इक्वल 12 माइनस 9, 12 में से 9 गया तो कितने बचे, 10 11 12, सो 3 बचेंगे। ठीक है, देयर फोर जेड इज इक्वल टू 9 उधर गया तो क्या बचेगा, 15 माइनस 9। ठीक है, सो जेड इज इक्वल टू 15 में से 9 गया क्या बचेगा, 6। ठीक है, सो 6 बचा। सेम इधर जेड इज इक्वल टू 18 माइनस 9। ठीक है, सो जेड इज इक्वल टू 18 में से 9 गया, 9 बचा। ठीक है, सो जेड की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, सो द वैल्यूज ऑफ जेड कैन बी 0, 3, 6 और 9। ठीक है, सो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस वॉज माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो दिस वॉज रियली वेरी इजी एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एंड नाउ हमने ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 16.2 ऑल्सो एंडेड है। अब हम दिखेंगे वॉट हैव वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, सो हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि हमने डिस्कस क्या किया। सो इस चैप्टर के हम अंदर हमने देखा नंबर्स कैन बी रिटर्न इन जनरल फॉर्म, नंबर्स को आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, दस टू डिजिट नंबर ए बी विल बी रिटर्न एज ए बी इज इक्वल टू 10a+b। ठीक है, ए बी को मतलब टेंस वंस टेंस, सो 10a+b लिख सकते हो। और द जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग पजल्स और नंबर गेम्स, अगर आपको कोई नंबर गेम्स पजल सॉल्व करने तो ये जनरल फॉर्म काम आएगा। द रीजन फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 10, 5, 2, 9 और 3 कैन बी गिवन वेन नंबर्स आर रिटर्न इन जनरल फॉर्म। सो अगर आप जनरल फॉर्म में लिखते हो तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के जो रीजन है वो आराम से लिख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सो आई एम एंडिंग माई चैप्टर हेयर ओनली, दिस चैप्टर हेयर ओनली। दिस इज मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू जस्ट डू ईच एंड एवरी थिंग प्रॉपरली एंड आफ्टर राइटिंग इट, आफ्टर डूइंग द एंटायर चैप्टर प्रॉपरली, जस्ट व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग, जस्ट डू दिस एक्सरसाइज 16.2 विच आई मेड यू डू टूडे एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।